वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर एंड ऑन दैट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए रिंग्स रिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशंस जो आते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक बेसिक सा आइडिया मैं दे रहा हूं, कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, यही वाला चीज से हम डिस्कशन करेंगे। दो तरीके से मैं डिराइव करूंगा, थोड़ा देखो कैसे होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं हम, देखो। तो क्या आज का टॉपिक है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आया समझ में? तो ये क्या चीज हुआ, देखो। पहले छोटे छोटे मतलब एक आसान तरीके से समझो, उसके बाद में हम आगे आगे बढ़ के जाएंगे कैसे कॉन्सेप्ट वहां पे लगाएंगे। आसान तरीका क्या होता है, मान के चल कि यहां पे कोई चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस दूरी पे, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, आर डिस्टेंस दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगा। अरे हाँ, ना यहां पे पॉइंट ए पे चार्ज है, पॉइंट बी आर डिस्टेंस पे है, अगर पॉइंट बी मेरा आर डिस्टेंस पे है तो वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू मिलेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू मिलेगा, क्या फॉर्मूला आएगा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर इज गिवन बाय 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, सोच जरा उसके बाद क्या मिलेगा मुझे। At that point B, electric potential at distance r due to charge q, क्या मिलेगा? V equal to 1/4πε0 q by r, अरे हाँ या ना, मिलेगा कि नहीं? यही तो मिलेगा ना। अब मैं एक छोटा सा डेरिवेटिव करना चाहता हूँ दोनों के बीच के रिलेशंस के लिए। मैंने क्या करता हूँ, ये भी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करता हूँ। भी को डेरिवेटिव कैसे किया, dv by dr इक्वल टू d by dr 1/4πε0 q by r, यही मैंने किया। डिफरेंशिएट भी विथ रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट भी विथ रिस्पेक्ट टू आर, डिस्टेंस के हिसाब से हम उसको डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव करने से क्या बनेगा, देखो इधर, तो ये मिला मुझे dv/dr 1/4πε0 क्यू, कॉन्स्टेंट है, अरे हाँ यहाँ चार्ज तो कॉन्स्टेंट है, ये वाला बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या, dy dr of 1 by r ही बचा है ना, और कुछ बचा है? अगर dy dr of 1 by r, क्योंकि r यहां से कुछ कुछ डिस्टेंस वेरी कर सकता है, तो क्या बचा, dy dr of 1 by r, यही मेरा बचा है। तो क्या बनेगा ना, dv/dr इक्वल टू, ये वाला है 1/4πε0 q, d/dr of 1/r, उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, -1/r2, क्या मिलेगा मुझे, -1/r2, ऐसे समझ में कि नहीं? तो ये मुझे क्या मिला ना, dv/dr इक्वल टू -1/4πε0 चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला, ये जो 1/4πε0 q/r2 किसका फॉर्मूला है, e का फॉर्मूला है। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, dv/dr
इक्वल टू माइनस ई, डीवी बाई डी आर इक्वल टू क्या बना मेरा माइनस ई, यही वाला एक रिलेशन बनेगा। और एक रिलेशन क्या बनेगा, इसका स्टेप इधर में लिख रहा हूं, इसका स्टेप इधर में लिख रहा हूं, ई इक्वल टू क्या बनेगा ना माइनस डीवी बाई डी आर, इक्वल टू क्या बनेगा माइनस डीवी बाई डी आर। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर बनेगा। तो ये फॉर्मूला से जाहिर सी होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन इंप्लाइज देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल, नेगेटिव साइन इंप्लाइज देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल। तो क्या होता है, अगर मैं इसी डिरेक्शन से आगे आगे चलते जाऊं, किसके डिरेक्शन से ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन से, याद रखो एक सेंटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन से मैं आगे आगे चलता जाऊं तो मेरा पोटेंशियल डिस्टेंस के हिसाब से डिक्रीज करता है। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, ये एक्सप्रेशन यही कहलाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन से आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ोगे तो मेरा पोटेंशियल जो है, मेरा पोटेंशियल डिस्टेंस के हिसाब से डिक्रीज करता जाएगा। तो मैं एक सेंटेंस ये भी बोल सकता हूं, मैं सेंटेंस एक यहां पर लिख सकता हूं, ये वाला से कंक्लूजन में मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला, अच्छा क्या लिख सकता हूं मैं, सोच जरा, मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डिरेक्शन ऑफ, इन द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में कि नहीं, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तू इलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन से आगे बढ़ेगा तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करते करते चलेगा। वह समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं, सोच रहा हूं नहीं होगा। वाह अच्छा, यहां से और क्या क्या सब सारे चीज हम डिराइव कर सकते हैं, आप ये दिखने की भी चीज है, देखो कैसे डिक्रीज करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, देखो। अच्छा यहाँ पे और एक चीज दिखाता हूं मैं तुमको, ये जो क्वांटिटी आया क्या आया, ये मैं शायद मिटा सकता हूँ, हाँ स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये वाला शायद मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। देखो क्या होता है, क्या होता है, ये जो डीवी बाई डी आर जो टर्म है, डीवी बाई डी आर जो टर्म है, ये डीवी बाई डी आर टर्म को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट, डीवी बाई डी आर टर्म को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आया समझ में, एनी क्वांटिटी, सोच जरा, यहां पे सिर्फ पोटेंशियल से ले रही है, हम इलेवेंथ में भी पढ़े थे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर लो, वो वाला क्वांटिटी को हम उसी क्वांटिटी का ग्रेडियंट बोलेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर लो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ तुम डिवाइड कर लो, उसी फिजिकल क्वांटिटी का हम ग्रेडियंट बोलेंगे। मान के चल के यहाँ पे पोटेंशियल बाय डिस्टेंस बना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो क्या मिला, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस मिलेगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट। चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस मिलेगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। आया समझ में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो क्वांटिटी डिक्रीज करते करते चलेगा। इलेवेंथ में हीट ट्रांसफर के चैप्टर में हम पढ़े थे, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर, टेम्परेचर का फ्लो घटते जाएगा, यहां पे ज्यादा हीट होगा, यहां पे आस्ते आस्ते हीट डिक्रीज होते होते जाएगा, वो वाला क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। थोड़ा इलेवेंथ में जाके देख लो वाला चैप्टर को, हुआ। तो ये वाला क्या मुझे मिलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं स्टेटमेंट ये बना सकता हूं, ये वाले कंक्लूजन से स्टेटमेंट ये बना सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या मैं लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ लिख सकता हूं। तो ये वाला मिल गया मुझे, अरे हाँ या ना, इन चीज से आओ, इन चीज से आओ। तो यहां पे क्या मुझे मिला था, अच्छा ये मैं मिटाने जा रहा हूं, नीचे वाला मैं मिटाने जा रहा हूं, ये वाला मैं मिटाने जा रहा हूं, वाह।
तो क्या मुझे मिला था, E इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, E इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। तो डीवी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस ई डी आर, डीवी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस ई डी आर, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, लिख सकता हूं। पोटेंशियल एक कौन सा क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर ऑफ स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाला, वही तो हम डिस्प्लेसमेंट। इसका एक दूसरा तरीका भी मैं डिराइव करके दिखाऊंगा तुमको, जो भी बुक में दिया जाता है दिखाऊंगा तुमको, डोंट वरी फॉर दैट। डी आर मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो कैसे मैं इसको स्केलर कैसे लिखने से, कौन सा प्रोडक्ट करने से, वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट करने से मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे कोई डॉट देता हूँ, इसमें वेक्टर दे देता हूँ, आया। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, डीवी इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, अरे हाँ या ना, क्या मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, आया समझ में। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो मैं क्या बनाऊंगा, डीवी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, आया समझ में, अरे हाँ या ना। सॉरी, डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, यहां से कोई हम एक लिमिट लेंगे, यहां पे भी कोई लिमिट लेंगे, तो डीवी का इंटीग्रेशन आएगा वी माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, आया समझ में कि नहीं, अरे आया, आ रहा है समझ में। जैसे डीवी बाई डी आर को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसी तरह ई डॉट डी आर को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई डॉट डी आर इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी आर इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक, आया समझ में, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो ये वाला चीज, मिटाने जा रहा हूं। समझ में, अच्छा तो क्या बना मेरा ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, इसे क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आ रहा है समझ में। तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आया ना, इसमें कोई डाउट है, अरे आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना। तो यहां तक हो गया मेरा, भी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर हम लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना, इसमें कोई डाउट है। एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का एग्जाम पे, डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर वही वाला क्वेश्चन कुछ आएगा इस तरह का तो ये वाला करोगे, हुआ, आ रहा है समझ में। जैसे मैंने बोला कैसे कैसे शुरू करोगे तो यही वाला लिखोगे, हुआ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो स्क्रीन को अभी पॉज कर दो, हम कोई दूसरा तरीका देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो रिलेशन है ये हमेशा कोई भी केसेस हो, वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये वाला और ये वाला करेक्ट आएगा, तुम ये वाला आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होगा, वाह ठीक है। तो मैं स्क्रीन को पॉज कर दो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। एक दूसरे तरीके से हम इसका डेरिवेशन करेंगे, वाह अच्छा, क्या डेरिवेशन कैसे होगा देखो, इधर क्या दिया गया है मुझे, मान के चलिए यहाँ पे पॉइंट ए पे कोई चार्ज क्यू है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, हाँ कि नहीं, मुझे पोटेंशियल चाहिए, मैं क्या करता हूं पॉइंट बी पे मैं निकालता हूं पोटेंशियल, पॉइंट बी पे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, ये वाला मित्र कितना डिस्टेंस पे है, आर दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे है, आर दूरी पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किधर, इधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा होगा,
देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, इसी डिरेक्शन से मेरा क्या होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखना होगा, इसी डिरेक्शन से मेरा क्या होगा एफ एक्सटर्नल होगा। सोच जरा, दो चीज में दिखा रहा हूं यहाँ पे, चार्ज यही है तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन से मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाया मैंने ना, मुझे चार्ज को पोटेंशियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे कहां से कहां तक लाना है, बी से ए तक, अरे हाँ या ना सॉरी इन्फानाइट से बी तक लाना है मुझे, इन्फानाइट से बी तक लाना है। तो इन्फानाइट से बी तक लाने के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इधर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा इधर हो जाएगा, अरे हाँ या ना डिस्प्लेसमेंट किधर होगा इधर ही हो जाएगा, डी आर से लिखने से होगा, अरे हाँ या ना। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के लिए वही वर्क डन होगा, सिर्फ डिफरेंस है स्लाइटली लेस होगा, स्लाइटली लेस होगा यही वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर ज्यादा होगा स्लाइटली ज्यादा होगा, मगर स्लाइटली होगा तो नियरली इक्वल टू सेम ही हम मान जाएंगे, नियरली इक्वल टू सेम ही हम मान जाते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगता है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगता है। तो मैं जब dw लिखूंगा, दैट वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्चुअली में पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। हमें कोई भी एक चार्ज को इन्फानाइट दूरी से बी डिस्टेंस को लाते हैं ताकि हमारा चार्ज क्यू जो कि आर दूरी पे पोटेंशियल देगा, ऐसा समझ में, यही वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो dw जब हम लिखेंगे तो मुझे पता है dw का रिलेशन आता है f डॉट dr, आया समझ में कि नहीं, f डॉट dr ही आता है। तो अब इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं, अरे हाँ या ना, अब ये कहां से करूंगा, इन्फानाइट से r तक करूंगा। अब f का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी आर में फॉर्मूला आ जाएगा एफ डी आर कॉस, इधर है डी आर इधर है तो क्या आ जाएगा cos 180, अरे हाँ या ना, एफ डी आर कॉस 180। ऐसा छोड़ दो, ये इन्फानाइट से आर लिखना छोड़ दो, सिंपली करो वहां एफ डी आर क्या आएगा cos 180, लिमिट मत लो उस तरह ही करो। तो यहाँ पे dw क्या आएगा, w ही आएगा। अब एफ का वैल्यूज क्या होगा, एफ का वैल्यूज क्या बनेगा मेरा, Q into E, यही तो बनेगा। कोई टेस्ट चार्ज अगर लो तो क्या बनेगा, Q0 into E। कोई टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे हम ले लिए तो क्या बनेगा, Q0 into E। Dr cos 180 में माइनस आ जाएगा, Q0 E into dr, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। सोच जरा, ये वाला W बना, ये वाला W बनेगा, तो देखो क्या होता है -Q0 into dr, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, सिंपली dw ही लिख लेते हैं, f.dr cos 180, यहाँ पे वही dw आएगा। तो dw/Q0 इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, -E into dr। तो dw/Q0 मेरा क्या बनेगा, dv बनेगा, अरे ये चार्ज पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्या मेरा dw/Q0 क्या बनेगा, dv बनेगा। तो dv इक्वल टू क्या बना मेरा, -EdR। यही तो वाला एक रिलेशन हम वहां पे डिराइव किए थे, तो मैं लिख सकता हूँ E = -dv/dr। अब इसको मैं और भी लिख सकता हूँ, dv माइनस वेक्टोरिकली लिखू तो ये वाला लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था पोटेंशियल एक स्कालर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट ही मुझे एक स्कालर क्वांटिटी देगा, अरे हाँ या ना। यही वाला तो लिखा था मैंने, dv = -v.dr, अरे हुआ या नहीं, ना इसी में किसी का डाउट है, बोलो जरा। वही वाला रिलेशन फिर से आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, dv/dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, E.dr का लाइन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके हमने कर दिया,
अब एक्सटर्नल फोर्स लेके करेगी। देखो रिलेशन वही आएगा, मैं बोल रहा हूँ वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल फोर्स के लिए भी वही आएगा। अभी किधर एक छोटा सा मैं एक्सटर्नल फोर्स लेके यहाँ पे करता हूँ, छोटा सा एक्सटर्नल फोर्स लेके करता हूँ, मुझे क्या करना है चार्ज को वर्क डन हो गया। एक्सटर्नल एजेंट के लिए कैसे करेंगे, सोच जरा, मैं बोल रहा हूं कि यही चार्ज को डायग्राम वही बनेगा, देख मैं थोड़ा बोल रहा हूं ये वाला छोड़ दे डायग्राम, ये मेरा क्या बोल रहा हूं कि चार्ज क्यू को मैं बी तक लेके जाऊं, चार्ज क्यू को मैं कहां तक लेके जाऊं बी तक लेके जाऊं। तो बी तक लाने के लिए, चार्ज क्यू को बी तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, चार्ज क्या है मेरा क्यू है, तो मैं इसे बोल सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट क्या है बी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा यही, यही तो मेरा बनेगा चार्ज और क्यू इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। अरे हाँ या ना, यही तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे हाँ या ना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो ठीक है देखिए बीवी माइनस बी ए क्या बनेगा मेरा डीवी, पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख सकता हूं, तो डब्ल्यू ए टू बी, डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी मैं लिखूंगा एफ एक्सटर्नल एजेंट, यही वाला वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के लिए हो रहा है डॉट डी आर बाई क्यू, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, तो डीवी इक्वल टू एफ डॉट डी आर बाई क्यू यही होता है। अगर एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर बन गया, एफ एक्सटर्नल का वैल्यूज क्या है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। तो अच्छा मैं ये मिटा देता हूँ फिर से ऊपर वाले करता हूँ, मिटा देता हूँ ऊपर में करता हूँ, थोड़ा स्पेस की जरूरत है मुझे, थोड़ा स्पेस की जरूरत है। तो देखिए दस में क्या कर रहा हूँ, देखिए दस में क्या कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे मेरा डीवी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, वही वाला लाइन मैंने फिर से लिख लिया। अच्छा एफ एक्सटर्नल किधर हो रहा है, इधर आ रहा है, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या आता है क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या आता है क्यू इंटू ई, वही वाला जब एफ एक्सटर्नल के लिए लिखूंगा, एफ एक्सटर्नल के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एफ एक्सटर्नल इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, दोनों अपोजिट में है, मैं क्या बोल रहा हूँ दोनों अपोजिट में है, वेक्टोरिकली लिखूंगा तो क्या लिखूंगा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू ई, नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन इसीलिए आया क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है। अरे हाँ अब देख अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सटर्नल से लिखू कैसे लिखूंगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ये क्या है मैग्नीट्यूड का लिसे है, अगर डिरेक्शन में लगा लू तो यहाँ पे एक माइनस दूंगा, अब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका वैल्यूज क्या होता है क्यू इंटू ई, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या बनेगा माइनस क्यू इंटू ई, अरे हाँ या ना समझ में आ रहा है ना, हाँ वही वाला चीज तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस ऑफ क्यू इंटू ई डॉट ऑफ डी आर, डॉट ऑफ क्या बनेगा मेरा डी आर बनेगा बाई क्यू, अब क्यू क्यू कैंसल आउट हो गया, क्या बचा इधर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर हुआ डीबी, यहाँ पे ई और डी आर के बीच कुछ भी एंगल हो सकता है, मैं चार्ज को ऐसे मूव करूं ऐसे मूव करूं ऐसे ऐसे कोई भी मूव कर सकता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर आएगा, डी आर यहां से मूव करूं यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो गया, सोच जरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को मैं इस तरह मूव करूं चार्ज को मैं इधर मूव करूं कोई भी एंगल में ले सकता हूं, तो इसलिए मैं ई डॉट डी आर लिख रहा हूं, ई डॉट डी आर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मगर हमेशा इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसे ही जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, तुम यूनिफॉर्म लो नॉन यूनिफॉर्म लो वही वाला आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में भी यही वाला कंसेप्ट आता है, तो अगर ई में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्या माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, क्या मैं लिख सकता हूं ई इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना लिख सकता हूं, अगर कोई भी न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल में कराऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आया समझ में, अरे आया ना, तो तीन तरह के डेरिवेशन करके मैंने देख लिया, हाँ जी नहीं, पहला जो डेरिवेशन किया था और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला डेरिवेशन किया था, ये वाला तुम कहीं पे भी करो, तीनों में डेरिवेशन कहीं पे भी करो ये तुमको मार्क ही देगा, वाह समझ में आ, ये वाला कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन से अगर एग्जाम में आता है तो पहला वाला लिखो मार्क मिलेगा या फिर दूसरा वाला लिखो मार्क मिलेगा, ये वाला सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, वाह अब नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट में मुझे क्या मिलेगा, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट यहां से आ गया, अब मैं दो तरह के न्यूमेरिकल्स करता हूं, दो तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे, वाह
अच्छा और एक चीज मैं यहाँ पे दिखाने जाता हूँ, देखो वो मेरा फॉर्मूला क्या आया, डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट टी आर। अच्छा ये वाला कहाँ से मिलता है। अब यहाँ पे और एक चीज भी हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, अगर मेरा कंपोनेंट फॉर्म में आया ई वेक्टर इक्वल टू मैं लिखूंगा ई एक्स आई क्या प्लस ई वाई जे क्या प्लस ई जेड के क्या, यही वाला मैं लिखूंगा। डी आर वेक्टर आया तो मैं लिखूंगा डी आर आई क्या डी आर एक्स डी आर एक्स डी आर वाई जे क्या प्लस डी आर जेड के क्या, आया समझ में कि नहीं। अब ई डॉट डी आर में लिखूं, ई डॉट डी आर में लिखूं तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, ई एक्स आई क्या प्लस ई वाई जे क्या प्लस ई जेड के क्या डॉट विथ डी आर एक्स आई क्या प्लस डी आर वाई जे क्या प्लस डी आर जेड के क्या, आया समझ में। डॉट करने से क्या होता है, ई एक्स डॉट डी आर एक्स आई क्या हो जाएगा, तो क्या आता है ई एक्स इंटू डी आर एक्स, ई वाई इंटू डी आर वाई, ई जेड इंटू डी आर जेड, यही वाला मुझे क्या देगा, ई डॉट डी आर मुझे क्या देता है माइनस ऑफ डी बी, ई डॉट डी आर मुझे क्या देता है माइनस ऑफ डी बी, यही वाला आएगा। एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, वाई को वाई कंपोनेंट के साथ, जेड को जेड को, यही वाला मुझे देता है, अरे हाँ या ना, यही वाला मुझे देता है कि नहीं, अरे हाँ या ना। अगर मुझे मेरा डीवी इक्वल टू सॉरी ई वेक्टर इक्वल टू डीवी डॉट डी आर मिल रहा है, इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, यही वाला भी एक फॉर्मूला आता है, अरे हाँ या ना। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ये जब डीवी बाई डी एक्स होगा इधर मेरा क्या लिखूंगा मैं, सोच जरा, ये अगर ई एक्स में लिखना चाहता हूं, ई एक्स में लिखना चाहता हूं तो जो पोटेंशियल है एक्स एक्सिस में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देख इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एक्स एक्सिस में आएगा, वाई एक्सिस में आएगा, जेड एक्सिस में आएगा, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस कंपोनेंट लूंगा तभी मैं पोटेंशियल को क्या करूंगा ना, पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा, क्या करूंगा ना, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ओनली एक्स के वाला होगा, वाई और जेड इसके लिए कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि जिस रेस्पेक्ट से तुम कर रहे हो, जिसके हिसाब से कर रहे हो, वही वाला सिर्फ वेरिएबल है, बाकी वाई और जेड कॉन्स्टेंट है। ये एक्स इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा ना, माइनस ऑफ डो वी बाई डो एक्स, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ऑफ डो वी बाई डो एक्स मतलब डो आर का एक्स, एक्स वाला कॉम्पोनेंट आएगा, आया समझ में। एक्स वाला कॉम्पोनेंट के साथ डेरिवेटिव करोगे, वाई और जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ई वाई का वैल्यू क्या आएगा, ई वाई का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ डो बी वाई डो सॉरी डो आर का वाई, डो बी वाई डो आर का वाई। ई जेड का वैल्यू क्या आएगा ना, माइनस ऑफ डो बी वाई डो आर का जेड, डो आर का जेड, डो आर का जेड, आया समझ में कि नहीं। ई एक्स ई वाई और ई जेड ये वाला आ गया। अब मैं E वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, E वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ई एक्स आई क्या प्लस ई वाई जे क्या प्लस ई जेड के क्या, लिख सकता हूं कि नहीं। अब ई एक्स की जगह ये वैल्यू, ई वाई की जगह ये वैल्यू, ई जेड की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कराऊंगा अभी, कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला का वैल्यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक फंक्शन है, अगर उसका फंक्शन एक्स और वाई और जेड में तीनों में है तो हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यहां से इधर निकालना पड़ेगा, आया समझ में, आ रहे हाँ या ना, आ रहा है समझ में ना, इसमें किसी का डाउट है स्क्रीन को पॉज करके जो जो लिखा गया है लिख लो, ये वाला न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये वाला चीज न्यूमेरिकल में काम आएगा, हुआ तो न्यूमेरिकल करते हैं छोटे छोटे, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं, मिटाने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल यहां पे करते हैं हम, क्या न्यूमेरिकल दिया गया था, एक न्यूमेरिकल है हमारा कि दिया गया है कोई पोटेंशियल फंक्शन है, वह कोई पोटेंशियल फंक्शन है, पोटेंशियल फंक्शन को कैसे दिया गया है, द पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाई, कैसे लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस वन बाई जेड, इस तरह दिया गया है, पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस वन बाई जेड, फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट
1, 2, 3. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2, 3. इस तरह का क्वेश्चन मुझे दिया गया है. कैसे करेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है. क्या मैंने पहले बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? E = -dV/dr. यही वाला है मेरा. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू को मैं वेक्टर फॉर्म में क्या ऐसे लिख सकता हूं, EXi क्या प्लस EYJ क्या प्लस EZK क्या. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. EX के जगह मैं लिख सकता हूं -dV/dx. ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव है. ये वाला क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है. अच्छा, ये वाला डेरिवेटिव और इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. हुआ? अच्छा, x के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? r का x लिख सकता हूं. ey को मैं लिख सकता हूं -dV/dr का y j क्या. इसको लिख सकता हूं -dV/dr का z k क्या. हुआ? आया कि नहीं समझ में? अच्छा, मैं काम करता हूं, इसको मैं x बना देता हूं तो ये आसान होगा हमको लिखने में. लिखने में सिर्फ आसान होगा और कुछ नहीं. यूजर फ्रेंडली लिखने में होगा और कुछ नहीं. जो भी लिखोगे उसी के हिसाब से करोगे. वाह, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये मैं इसीलिए लिखा क्योंकि पोटेंशियल का फंक्शन जब ये वाला लिखूंगा तो यहाँ पे x होगा, तो x के हिसाब से डेरिवेटिव करने तुमको समझने में आसान होगा, लिखने में आसान होगा और कुछ नहीं. यहाँ पे आर एक्स लिखोगे, इसका मतलब है जो डिस्टेंस तुमने लिया है उसके x के हिसाब से ही तुम डेरिवेटिव करोगे. x के हिसाब से ही तुम डेरिवेटिव करोगे. तो -dV/dx आई क्या -dV/dy क्या -dV/dz के क्या. आया समझ में? यही वाला होता है मेरा e का वैल्यू. तो पहले मैं इसको निकालता हूं dV/dx. हुआ? पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में डिफरेंस होता है. ये वाले डेरिवेटिव में हमको सबको वेरिएबल है. यहाँ पे एक्स वाई जेड डेरिवेटिव सब वेरिएबल है. एक्चुअली में फॉर्मूला होता है -dV/dx. हुआ? पार्शियल डेरिवेटिव ही होता है क्योंकि जिस एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वहां पे वाई और जेड सब कांस्टेंट आएंगे. हुआ? जो जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी हिसाब से हम पोटेंशियल निकालेंगे, तो वाई और जेड का हिसाब से कांस्टेंट आएंगे. तो dV/dx में क्या बनेगा ना, dV/dx ऑफ वी का वैल्यूज क्या बनेगा ना, x² प्लस y³ प्लस 1/z. सिर्फ x² की जरूरत. एक्चुअली में क्या होगा, dV/dx ऑफ x² प्लस dV/dx ऑफ y³ प्लस dV/dx ऑफ 1/z. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x होगा. इसका तो जीरो, इसका भी जीरो आएगा. इसका भी जीरो, इसका भी जीरो. सिर्फ x के हिसाब से जिस रेस्पेक्ट से दिया गया होगा उसी रेस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव्स करेंगे. तो dV/dx का वैल्यू क्या आएगा, 2x आएगा. उसी तरह dV/dy का लिखने पर है तो dV/dy ऑफ x² प्लस y³ प्लस 1/z. तो x² और 1/z का डेरिवेटिव तो जीरो आएगा. तो मैं सिर्फ y³ का ही करूंगा. मैं सिर्फ क्या करूंगा, y³ का ही करूंगा. y³ का डेरिवेटिव क्या आएगा ना, dV/dy ऑफ y³ का डेरिवेटिव करने से 3y² आएगा. 3y² आएगा. अरे हाँ या ना. अब जो dV/dz करूं तो dV/dz ऑफ x² प्लस y³ प्लस 1/z. तो dV/dz ऑफ 1/z तो क्या आएगा ना, -1/z, क्योंकि इसके और इसके हिसाब से मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आएगा. तो dV/dz ऑफ 1/z क्या आएगा मेरा, -1/z². आया समझ में? इस यहां तक सबको समझ में आया ना, किसी का यहां तक दिक्कत है? अरे हाँ या ना. कोई प्रॉब्लम है क्या? शायद नहीं होगा मुझे लग रहा है. सिंपल मैंने पार्शियल डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप किया है. -dV/dx, dV/dy, dV/dy सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव मैंने किया है और कुछ नहीं किया है. आया समझ में? स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो. कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लग रहा है. कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख लो. तो मुझे तीन वैल्यू चाहिए, एक 2x चाहिए, 3y² -1/z. यहाँ पर अभी मैं लिखने जा रहा हूँ. देखो कैसे होता है, देखो कैसे होता है. यही वाला हो गया ना. अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं मिटाने जा रहा हूँ. देखिए इधर क्या होने का, क्या हुआ मेरा, जो मैंने dV/dx लिया वो वाला 2x आया था. dV/dx का वैल्यू क्या आया था, सॉरी क्या आया था मेरा, 2x आया था.
मुझे क्या पूछा गया है, फाइंड ई आर 1 2 3। तो मैं यहाँ पे किस तरह लिख सकता हूँ, जरा सोच यहां से, तो मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ यहाँ से। अगर मुझे कोई ई वेक्टर का वैल्यू पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस डूबी बाई डू एक्स का वैल्यू 2x आई क्या, माइनस डूबी बाई डू का वैल्यू 3y स्क्वायर जे क्या, यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ माइनस 1/z स्क्वायर के क्या, यही वाला वैल्यूज मेरा आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस 2x आई क्या माइनस 3y स्क्वायर जे क्या प्लस 1/z स्क्वायर के क्या, यही वाला मैं लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं। फिर मुझको पूछा गया है कि ये पॉइंट पे निकालो, ये पॉइंट पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम निकाल रहे हो ये 1 2 3 पॉइंट पे निकालो। 1 2 3 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, यही वाला वैल्यू है। तो अगर मैं इसे इस तरह लिखूंगा e वेक्टर r 1, 2, 3 माइनस 2x के जगह 1 लिखूंगा, अरे हाँ या ना, माइनस 3y स्क्वायर वाई की जगह 2 लिखूंगा, 3y का जगह 2 लिखूंगा, z क्या प्लस 1/z के जगह 3 के क्या लिखूंगा 1। तो क्या मिलेगा मुझे ना माइनस 2, ये वाला क्या मुझे मिलेगा ना e वेक्टर का फाइनल वैल्यू आट 1 2 3 में क्या होता है माइनस 2, ये वाला 1 है i क्या, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस 12 जे क्या, यहाँ पे मिलेगा मुझे 1/3 के क्या, यही वाला मेरा फाइनल आंसर होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड पे आता है, यही वाला मेरा आंसर होगा, माइनस 2i क्या माइनस 12 जे क्या प्लस 1/3 के क्या। आ रहा है सबको समझ में, ना इसी में किसी का डाउट है, अरे बोलो जरा, किसी का डाउट है क्या इसमें, माइनस 2i क्या माइनस 12 जे क्या प्लस 1/3 के क्या, यहीं तक लिखना है। पहले क्या करोगे ना, सिर्फ अलग अलग एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्स और वाई और जेड में पुट कर दे, जो जो वैल्यू दिया गया एक्स में वाई में जेड में पुट करके माइनस साइन के साथ, आया समझ में, बहुत आसान सा चीज है, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं। एक बार बोर्ड पे क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था कि पोटेंशियल फंक्शन मुझे दिया गया था -6/x + 2 और पूछा था मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आट 2, 0, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आट 2, 0, 0 पे हुआ, तो कैसे निकालेंगे, वही वाला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। वहां पे मैंने तुमको कराया था 3 एक्सिस के बारे में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में, यहाँ पे सिर्फ एक्स दिया गया है वेरिएबल से, तो वही वाला करेंगे। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ई वेक्टर इक्वल टू EXi क्या प्लस EYZ क्या प्लस EZ के क्या मुझे लिखना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, माइनस डो बाई डो एक्स ऑफ आई क्या भी कैसे से माइनस डो भी बाई डो वाई, डायरेक्ट मैंने माइनस लिख लिया यहाँ पे, Z क्या माइनस डो भी बाई डो जेड का के क्या, आया समझ में, यही तो मुझे करना है। तो अगर मुझे ये करना है तो माइनस डो बाई डो एक्स भी का वैल्यू में क्या लिखूंगा ना माइनस 6/x + 2 y नहीं है दिक्कत, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिखने से होगा कोई दिक्कत नहीं, y नहीं है z भी नहीं, तो यहाँ पे मैं 0 0 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, तो सिर्फ ये वाला आएगा आई क्या आपके हिसाब से। अब माइनस साइन इधर है तो माइनस 6/x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा ना माइनस 6/x का, फिर माइनस 6/x² 2 का डेरिवेटिव 0, देख माइनस बाहर आएगा, ये वाला माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या, अच्छा ठीक है मैं फिर से बोल देता हूं, ये वाला माइनस है ये वाला माइनस है, इसका डेरिवेटिव सिर्फ इसका मैं निकाल रहा हूं, सोच लेता एक बार, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा (2/2x)(2/2x)(6/x) + (2/2x)-2, ये वाला माइनस इधर चलेगा, अगर यहां पर माइनस कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस 2, आया समझ नहीं, अरे हाँ या ना, ये वाला किसके लिए बराबर होगा आई क्या, सब मैं इसको लिखूंगा 6/x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 6/x का डेरिवेटिव क्या बनेगा ना -6/x² इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 0, तो -6/x² आई क्या, तो e वेक्टर इक्वल टू -6/x² आई क्या -6/x² आई क्या। मुझे क्या पूछा गया है ना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 2, 0, 0 पे, तो
तो माइनस सिक्स बाई टू का स्क्वायर आई कैप, टू का स्क्वायर आई कैप, तो क्या मुझे मिलेगा माइनस सिक्स बाई फोर आई कैप। सो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला 2,0,0 पे माइनस सिक्स बाई फोर मतलब माइनस वन पॉइंट फाइव आई कैप, मुझे यही वाला मिलेगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के टर्म पे लिखना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर टर्म पे लिखना, हो गया। तो वो वाला जो रिलेशन था इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, वो हमेशा सही होगा, वो हमेशा सही होगा। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरे तरह के क्वेश्चन दिया गया था वह जिसमें तुमको डिजिट में कुछ नंबर्स में कुछ वैल्यूज दिया जाएगा, नंबर्स में कुछ वैल्यूज दिया जाएगा, तो वहां पे तुम कैसे करोगे, कुछ नंबर्स दिया गया होगा वह, ठीक है मिटाने जा रहा हूं ये वाला चीज। देखो क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टू प्लेट्स 2 मिलीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टू प्लेट्स, मतलब ये दो प्लेट है, यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस में इन दोनों को इस तरफ 50 वोल्ट अप्लाई किया। अच्छा अब इन दोनों को गैप है 2 mm, सेपरेटेड डिस्टेंस 2 mm। पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मुझे पूछा गया है, अब जहां पे डिस्टेंस मुझे दिया गया है 2 mm, दिखाई दे रहा है। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टू प्लेट्स व्हिच आर 2 mm अपार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा ना, वी, अच्छा ई का वैल्यूज मुझे क्या पता है, माइनस ऑफ डीवी बाई डीएफ, माइनस ऑफ डीवी बाई डीएफ। अगर मैं ई का मैग्नीट्यूड लिखूं, डायरेक्ट ई का मैग्नीट्यूड लिखूं, सिर्फ क्या आएगा डीवी बाई डीएफ, यही वाला आएगा। ई का मैग्नीट्यूड लिखने से क्या आएगा डीवी बाई डीआर आएगा। तो डीवी बाई डीआर जब आएगा तो ये जो डीवी वैल्यूज है ये क्या है, दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस। डीवी वैल्यूज क्या है, दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो मेरा क्वेश्चन दिया गया। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टू प्लेट्स सेपरेटेड 2 मिलीमीटर अपार्ट। तो डीबी का वैल्यू डायरेक्ट में 50 वोल्ट लिख सकता हूं, बी का वैल्यू 2 × 10⁻³ आएगा, ये वाला वोल्ट है। अब इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लिया हुआ, तो 25 × 10³, इसका यूनिट भी मैं वोल्ट पर मीटर भी लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तुम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो हम यूनिट वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो। तो ये वाला आंसर ऐसे हो जाएगा, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो ये जो था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, और इसका कुछ न्यूमेरिकल, और इसका कुछ न्यूमेरिकल। तो सोच रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा, अगर किसी का कोई पे डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स पे लिखो। वाह, ये मेरा है आज का क्लास, नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज के साथ मिलेंगे। वाह, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, थैंक यू।